दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एम एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। वीडियो कोर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही उपलब्ध है। इसके अलावा लाइव डाउट क्लासेस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो इस वीडियो के साथ हम आप बच्चों को यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो कोर्स तैयार करा रहे हैं उसकी वीडियो नंबर सेकंड पर आ गए, और बेसिकली इस चैप्टर में हम आपको जो डिमांड थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आपको बताएंगे, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे, नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज जिसमें स्नो इफेक्ट और बैड वेवन इफेक्ट होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वाली जो आपको यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल होगी उसमें आपको नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज के बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम बात करने वाले हैं नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज की। तो इसको हम बेसिकली बैड वेगन इफेक्ट और स्नोप्स इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बैड वेगन इफेक्ट और स्नोप्स इफेक्ट के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया था वो हार्वे लेविस्टीन ने दिया था। तो जो ये लेविस्टीन है उनका एक आर्टिकल था, उसमें इसको एक पब्लिश किया गया था, जिसमें उन्होंने बैड वेगन इफेक्ट और स्नोप इफेक्ट के बारे में बताया कि लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो इन दो बातों से भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से डिमांड पर बैग वेगन इफेक्ट और स्नो इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझाने वाला हूँ बच्चों। तो ये सारा का सारा टॉपिक हमने एच एल आहूजा सर की बुक से लिया हुआ है, तो उस क्योंकि जैसे हम आप बच्चे जानते होंगे कि हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स और नेट की तैयारी बच्चों को कराते हैं, तो उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने एच एल आहूजा की बुक में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आप बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों अगर नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा एक पड़ोसी है, उसके घर में एलजी का टीवी है, वो भी 65 इंच का, तो मुझे भी लगेगा कि मेरे पास भी 65 इंच का टीवी होना चाहिए। यानी कि इस तरीके का जो नेटवर्क बनता है, यानी कि अधिकतर लोगों को लगेगा अगर मान लीजिए सबके पास में है, जैसे पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, और किसी एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कलर टीवी खरीद लिया, तो जिनके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे उनको भी लगा कि उनके पास भी कलर टीवी होना चाहिए। तो इसका मतलब नेटवर्क की तरह जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। यानी कि मेरे द्वारा किसी गुड्स की डिमांड केवल मेरी जरूरतों पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि किसी और पे भी डिपेंड करती है, तो नेटवर्क बन गया, एक तरीके का नेटवर्क बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। यानी कि आमतौर पर हम मानते हैं कि मैं मैंगो खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, मैं एप्पल खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, या मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, यह मेरी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि मेरे द्वारा खरीदा गया सामान केवल मेरे पर डिपेंड नहीं करता बल्कि और लोगों पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए भारत में 5G आ जाती है, तो 5G आने पर मान लीजिए दो लोगों ने अगर 5G को खरीदा तो क्या होगा, धीरे धीरे देखिए लोग और भी लोग, क्योंकि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेगी वैसे वैसे लोग और भी लोग उसको खरीदने की तरफ जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के पास एक ही व्यक्ति के पास में फोन है जिस पर वो कॉल मान लीजिए वीडियो कॉल कर सकता है, बाकी के लोगों के पास वीडियो कॉल करने के लिए फोन ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा उस वीडियो कॉल वाले फोन का। तो नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज का मतलब है एक जैसी चीजों को सब लोग खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में हम आगे करेंगे। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब है वन इंडिविजुअल्स यूटिलिटी फॉर अ गुड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अदर पीपल हु कंज्यूम द कम्युनिटी। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कंज्यूमशन की यूटिलिटी डिपेंड करता है कि बाकी के लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पास आईफोन है जिसमें मैंने ऐप है जो केवल एंड्रॉइड फोन सॉरी आईओएस में ही चलती है, मान लीजिए मेरी जैसे मेरी ऐप है तो मेरी ऐप तो एंड्रॉइड में भी चलती है और आईओएस में भी चलती है। मान लीजिए आईओएस की ऐप बनवाई मैंने, एक ऐप बनवाई जो आईओएस में चलती है, तो केवल 1% लोगों के पास आईओएस ऐप है या आईओएस है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके की ऐप का कोई फायदा ही नहीं होगा मेरे लिए क्योंकि लोगों तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों का मतलब बोलते हैं हम नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज, यानी कि वन इंडिविजुअल्स यूटिलिटी फॉर अ गुड्स डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ अदर पर्सन हु कंज्यूम दी कम्युनिटी। तो दो तरीके के इफेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक तो है बैड वैगन इफेक्ट, दूसरा है स्नोप्स इफेक्ट। इसके अलावा बच्चों हम एक और हम बात करेंगे वो है वेबलन इफेक्ट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं बैड वैगन इफेक्ट की। तो इसमें मतलब क्या है, इट रेफर टू द डिमांड फॉर अ गुड्स बाय अ पर्सन हु वॉन्टेड टू बी स्टाइल बिकॉज, यानी कि इसको रखना जो है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो फैशन स्टेटस सिंबल है जिनको रखना अच्छा माना जाता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे एंड्रॉयड फोन यूज करता हूं, अगर मान लीजिए जैसे भारत में अगर हम बात करें तो आज भी एप्पल के फोन को रखना एक स्टाइल सिंबल है, एक स्टेटस सिंबल है। तो चलिए हम एप्पल फोन से ही बात कर लेते हैं, डायग्राम से, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक, हम एक बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। मान लीजिए ये हमने कार बना लिया, मैं बिल्कुल एप्पल फोन की ही बात करेंगे, ठीक है बच्चों। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 100 ये एप्पल का डिमांड कर भाई, दिस वन इज डिमांड कर ऑफ एप्पल फोन, ठीक है। बुक में तो चार डायग्राम बना रखे, मैं आपको सिंपल बनाने के लिए केवल दो ही डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि वो क्या कहना चाहता है डायग्राम में। तो मान लीजिए कि फोन का प्राइस 100 रुपीज है, आप चाहे तो 100,000 मान ले सकते हैं, 100 रुपीज मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, और केवल 100 लोग ऐसे हैं जो गुड्स को बाय कर रहे हैं, ओके जी। तो मान लीजिए ये ए हो गया, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये आईफोन उपलब्ध है, एक क्लियर हो गया बात। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इस किसी वजह से इसका जो प्राइस है, मान लीजिए प्राइस जो है अगर वो 50 हो जाए तो कितने लोग बाय करेंगे, डेफिनेटली ज्यादा लोग बाय करेंगे, और ये बाय करेंगे 200 लोग, हमने सिंपल मान लिया, बहुत सिंपल समझाने के लिए। यानी कि 100 से 100 जो है ये कहलाता है प्राइस इफेक्ट, यानी कि प्राइस गिरने से डिमांड का बढ़ना प्राइस इफेक्ट कहता है। ये तो प्राइस इफेक्ट है, इसमें कहीं पे भी हमने जो बैड वेवन इफेक्ट की बात ही नहीं आई। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि जब प्राइस 100 से गिरकर 50 रुपए हो जाएगा, और अगर लोग उसे अपना फैशन स्टेटस सिंबल समझते हैं, अगर लोग समझते हैं कि उसको रखना उनके लिए एक तरीके से फैशन का सिंबल है, प्रेस्टीज की बात नहीं कर रहे हम, फैशन की बात कर रहे हैं, विलिंग की बात कर रहे हैं, इच्छा की बात कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि इसको रखना चाहिए क्योंकि ये तो फैशन क्रिएट करेगा, तो इससे क्या होगा बच्चों कि ये जो डिमांड कर रहा है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और एक्चुअल जो डिमांड है वो इतनी ना बढ़ के बल्कि इतनी बढ़ेगी, बी पे आ जाएगी। मतलब एक्चुअल में डिमांड कितनी बढ़ी, डिमांड हो गई हमारी 300, या मान लीजिए चलो 400 रख लेते हैं, नंबर्स में क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्राइस 100 से 50 हुआ तो डिमांड को 100 से 200 होना चाहिए था प्राइस इफेक्ट की वजह से, लेकिन प्राइस इफेक्ट की वजह से ना होके बल्कि जो टोटल इफेक्ट है वो इतनी डिमांड बढ़ गई, यानी कि ये जो इफेक्ट है ये वाला जिसे हम 200 से 400 कह रहे हैं, इसी इफेक्ट को हमने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैंड वैगन इफेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया बच्चों हमने, मतलब मेरा कहने का मतलब है हमें होना चाहिए था इस पॉइंट पर क्योंकि डिमांड कर रही है, लेकिन क्योंकि गुड्स फैशन में है, क्योंकि प्राइस गिरने से लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, उनको देखा देखी और लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, उनको देखा देखी और लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, तो इनको अगर हम मिला दें, मैं एक पॉइंट से मिला देता हूं, तो ये वाला जो है ए और बी ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट। इसका मतलब ये थोड़ा सा फ्लैटर होगा, मोर इलास्टिक होगा, ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है, इट रेफर टू द डिमांड फॉर अ गुड्स बाय अ पर्सन हु वांटेड टू बी इन स्टाइल बिकॉज पोजीशंस ऑफ दिस गुड्स इज फैशन एंड देयरफॉर मेनी अदर हैव इट, यानी कि क्योंकि ये फैशन में आ गया है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसे कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से आपको पॉजिटिव एक्सटर्निटीज देखने को मिलेगी। तो ये तो बच्चों कहलाता है बैंड वैगन इफेक्ट। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है हमें, क्योंकि जब आप बुक में डायग्राम देखोगे तो उसमें कई सारे और भी डायग्राम बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें बच्चों स्नोब इफेक्ट की, तो देखिए स्नोब इफेक्ट क्या होता है, स्नोब इफेक्ट रेफर टू द डिजायर टू प्रोसेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेस्टीज वैल्यू बना के रखना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जैसे मान लीजिए किसी के पास में एप्पल का फोन है, ठीक है, अब S4 है मान लीजिए, या जो भी ब्रांड है एप्पल में से, तो किसी और के पास अगर वो फोन हो गया तो उनको लगता है कि उनकी जो वैल्यू है वो घट गई है। स्नोबिस अगर आप वर्ड मीनिंग देखोगे तो मतलब कई बार इसको नकचड़ा भी बोल देते हैं स्नोबिस को, ठीक है। स्नोबिस का मतलब होता है जिसमें हर जगह अपने आप को प्रायोरिटी, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की इच्छा होती है। तो यहां पर देखिए क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जैसे इसने पॉजिटिव एक्सटर्निटीज क्रिएट की, सेम ये नेगेटिव एक्सटर्निटीज क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस गिर जाते हैं, ठीक है, स्नोब इफेक्ट कहता है कि जब प्राइस गिर जाते हैं तो प्राइस गिरने की वजह से लोग ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन जो स्नोबिस लोग होंगे या जिनके पास स्नोबिस इफेक्ट होगा उनको लगेगा क्योंकि ये ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इसलिए वो ना खरीदें,
बात को क्लियर कीजिएगा। यहां पर क्या हुआ था, क्योंकि ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इसलिए फैशन में आ गया, जब फैशन में आ गया तो लोगों ने ज्यादा खरीदा। यहां पे क्या हुआ, क्योंकि प्राइस गिरा इसलिए ज्यादा लोग खरीद, ज्यादा लोग खरीद ले इसलिए जो स्नोबिस है उसको लगेगा कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए इसलिए वो नहीं खरीदेगा। देखिए डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको पूरी बात। तो चलिए ये डिमांड कर्व बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है, जो कि मान लीजिए प्राइस 100 रुपए पर आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो। ओके जी, तो आपने क्या किया, केवल 100 क्वांटिटी को ही बाय किया। अब जैसे आपका प्राइस गिरकर 50 हो गया, 50 हो गया, अब डेफिनेटली आपका जो डिमांड है वो कितनी बढ़नी चाहिए, वो बढ़कर होनी चाहिए 200। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों को लगा कि क्योंकि जब प्राइस 50 पर अधिकतर लोग खरीद रहे हैं तो अब वो ना खरीदें, ठीक है, क्योंकि उनका मन है कि भाई वो महंगी चीज ही खरीदें या वो ऐसी चीज खरीदें जो लोगों के पास ना हो। तो उसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो घटकर इस तरफ चला गया। यानी कि अगर ए पॉइंट था तो ये बी पॉइंट पर आ गए। वो इसका मतलब एक्चुअल में कितनी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, एक्चुअल में तो बढ़नी चाहिए थी 100 से 200 प्राइस इफेक्ट की वजह से, लेकिन एक्चुअल में कितनी बढ़ी है, 150 दिस वन। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, अधिकतर लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया इसलिए जो स्नोब्स लोग हैं उन्होंने खरीदना कम कर दिया। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इस केस में मार्केट डिमांड जो है वो इस तरीके से बनता है। तो ये है बच्चों पूरी की पूरी थ्योरी, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहां से 100 से ये वाला जो है 200, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइस इफेक्ट। जो 100 से 150 हुआ इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। और ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब इसने डिमांड को कम कर दिया। तो ये है वजह बच्चों स्नोब इफेक्ट की, जिसके बारे में हमने आपको समझाया। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं बेबलन गुड्स या बेबलन इफेक्ट। देखिए बेबलन गुड्स क्या होती है, मैं आपको पहले यह भी बता देता हूं, उसके बाद यह भी बता दूंगा कि इन दोनों से कैसे अलग है। बेबलन गुड्स इज अ लग्जरी गुड्स फॉर विच द डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज। यानी कि ये वो लग्जरी गुड्स होती है जिनकी प्राइस जो है ज्यादा होगी तभी लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे, और अगर प्राइस कम होगी तो इसे लोग कम खरीदेंगे। यानी कि इस केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो लागू नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो डिमांड कर्व है ये अपवर्ड होता है इसके, यानी कि बेबलन गुड्स के केस में। तो बच्चों इसका मतलब ये गुड्स वो होती है जो एक तरीके से स्टेटस सिंबल होती हैं, या कंस्पिशियस कंजम्पशन यानी कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, जैसे वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी कारें हों जो दूसरों के पास ना हो। ठीक है, लग्जरी चीजें वो रख रहे हैं और वो तभी तक रखेंगे जब तक उनका प्राइस ज्यादा होगा, और वो नहीं खरीदेंगे अगर उनका प्राइस कम होगा। तो बेबलन गुड्स जो है वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे बेबलन, उनके नाम पर इनको रखा गया। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों इस तरीके की गुड्स जो होती है बेबलन गुड्स जो होती है वो स्नोब गुड्स से किस तरीके से अलग होती है। देखिए स्नोब गुड्स जो होती है उनका डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, लेकिन जो बेबलन गुड्स होती है उनका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और उस केस में क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कोई गुड्स की प्राइस गिरता है, ठीक है, तो लोग नहीं खरीदते। यानी कि जो इस केस में तो देखिए नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। बेबलन गुड्स होती है जिनका अधिकतर यूज अमीर लोग ही कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी कोई आपको देखते हो इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती उसकी कोई, बस वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि लग्जरी दिखाई जा सके। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फिल्मों में, या फिल्मों में देखा होगा कि लोग शेर की खाल को टांग देते हैं दीवालों के ऊपर, तो उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, क्या वैल्यू है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या है, केवल ये दिखाने के लिए कि हमारी प्रतिष्ठा है। तो उस गुड्स की बात अगर हम करें तो उन गुड्स का प्राइस अगर कम होगा तो लोग उसे कम मात्रा में खरीदेंगे। तो ये बच्चों बेसिकली तीनों में फर्क है, तीनों हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आप हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।